हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे? तो मैं अभी नींद से उठ कर आई हूँ। आप देख रहे हैं मेरी आँख को, अभी भी नींद है। तो अभी तक नींद छूटा नहीं। अब कितना बजा है? 7:05 हो गया है। तो मुझे उठना ज़रूरी भी है क्योंकि मेरा हिंदी एग्ज़ाम है, कल मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी छत के ऊपर क्यों हूँ? क्योंकि मेरे रूममेट्स लोग सोए, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। वो लोग आराम से सोए, सोने दो उनको, क्योंकि 4 बजे उठ के पढ़ाई किए थे फिर सो गए। हम लोग भी उठ के पढ़ाई किए थे फिर सो गए थे, फिर सो गए थे, फिर 7 बजे उठ गए हम लोग। आप लोग को तो पता होगा कि मेस का खाना और हॉस्टल का खाना कैसा होता है, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हम तीनों का खाना, ये पूरी है आज, देख रहे हैं 3 लोगों का है। देखिए कैसे पानी पानी जैसा है। तो खाना पड़ेगा, मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो खाना तो पड़ेगा सब कुछ। तो गाइस मैं अभी पढ़ चुकी हूँ, पढ़ रही थी अब तक, देखो अब तक पढ़ रही हूँ, कल हिंदी एग्ज़ाम है तो हिंदी ही पढ़ रही थी अब तक। तो अब कितना बजा? 11:05 हो गया है। तो अब तब से पढ़ रही थी मैं, 8 बजे से पढ़ रही थी अब तक। तो अब पढ़ूँगी नहीं। तो ज्योति तो सो गई है पढ़ते पढ़ते, देखो। सो गई है। तो और कुछ बताओ आप सब, क्या चल रहा है हालचाल आपके घर पे? और आपको मेरी रूम दिखनी है तो दिखा रही हूँ। ये तो रूम देख रहे हैं, जो दरवाज़ा है मेन डोर है। तो ये दुर्गा शक्ति, यहाँ पर दुर्गा तो नहीं है, अभी चले गए, जस्ट चले गए उसके दादी के घर में। ये मेरे बेड है, मेरी बेड है, तो उसके नीचे सामान सब कुछ है। और ये तो ज्योति की बेड है और यहाँ पर सारा सामान रहता है। हमारा ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा रूम है। तो फिर भी बहुत गर्मी लगती है यहाँ पर। वैसे भी वहाँ पर तो देख पा रहे हो, वहाँ पर विंडो, वहाँ पर तो बहुत गर्मी लगती है। गर्मी और ऊपर, सबसे ऊपर रहता है हम लोग, तो यही प्रॉब्लम होती है, बहुत गर्मी लगती है। और फैन भी तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलता है। अब मुझे नहाने जाना पड़ेगा, तो ठीक है नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं शाम को। तो अब मैं छत के ऊपर हूँ, अब शाम के 5 बज गए हैं। तो डेली शाम को हम लोग छत के ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हवा भी देता है और माइंड फ्रेश भी होता है। और देखो ज्योति नींद से उठ के आई है अभी। मैं 4:30 से उसको बुला रही हूँ, ज्योति चल छत के ऊपर जाएंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा। वो सोई थी, उसको इतना घुसड़ घुसड़ के उतार रही थी बेड से ना, वो सुन भी नहीं रही थी। उसको बोल रही थी चल, बोल रही कि नहीं जाना मेरे को, सोई थी। बस मैं एक चॉकलेट उसके रख दी उसके बेड के ऊपर, वो चॉकलेट लेके छत के ऊपर आ गई। यही है उसका कांड। हेलो ज्योति, नहीं 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 ना। चलो एक बात बोलना भूल गई थी मैं, बंगाली हूँ, मैं बालेश्वर में पढ़ती हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल में घर है। आप सबका अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में कर पूछ सकते हो। और आप सब बताओ, सब कैसे है घर पे आपका? लगी थी तो अभी मूढ़ी खाएंगे, मूढ़ी के साथ चिकन खाएंगे। तो वही मेस का ही चिकन खाएंगे। आज दिखाती हूँ कैसा चिकन मिलता है। ये देखो मूढ़ी और ये देखो चिकन, मतलब ये रहा चिकन, इतना ही हो जाएगा मेरा। ये ज्योति भी खाएगी, उसको भी भूख लगी है। देखो खाना, चलो खाना खा लेते हैं, फिर पढ़ाई के टाइम ही मिलते हैं।
खाना है, दाल और रोटी तो देख लीजिए यहाँ पर है। खाना आ गया हमारा, ये है दाल और ये है रोटी, ये दाल है। तो मैं और ज्योति खाऊंगी क्योंकि दुर्गा नहीं है, दुर्गा तो अपने दादी के घर गई है। तो खाना कंप्लीट करके आपसे बात करते हैं। तो गाइज हम लोग का खाना कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। 10 बज गए हैं अभी शायद, हाँ 10 बज गए हैं। तो अभी हम लोग 10 बजे से 11 बजे तक एटलीस्ट पढ़ेंगे एक घंटा, उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो आप सब बताओ, आप सबका खाना हो गया क्या? तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। तो सब कुछ बेल आइकन ऑन कर। तो गुड नाइट, आज के लिए बस इतना ही। टाटा।